भारतीय वेशभूषा में पहली बार होगा उत्तराखंड का होली गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर्वतीय वेशभूषा में पहली बार उत्तराखंड पर्वतीय समाज का होली गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मंच पर जुटेंगी पर्वतीय समाज की 10 से अधिक टोलियां। पहली बार एक मंच पर 10 से अधिक टोलियां देंगी प्रस्तुति। जनेश्वर पार्क के पास परिषद भवन में होगा भव्य आयोजन। 500 लोग कुर्सियों पर बैठकर एक बार में देख सकेंगे शो। एक महीने में तैयार हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। जनेश्वर मिश्र पार्क में मोशन चेयर थिएटर का निर्माण शुरू। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। दिल्ली से बंद सुकेश ने पत्र लिखकर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए केजरीवाल सरकार पर 1,000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगाया। सुकेश ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गरीब बच्चों की पढ़ाई और स्टेशनरी में घोटाला करने का आरोप लगाया। बच्चों को बांटे जाने वाले टैबलेट के टेंडर में 20% ज्यादा कमीशन की लालच में टेंडर दूसरी कंपनी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अखबार में सरकार की तारीफ का आर्टिकल अपनी मदद से छपवाने का आरोप लगाया। संस्थाओं को जांच ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश। जांच ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई या अन्य किसी संस्था को जांच ट्रांसफर पर शक्तियों को संयम से इस्तेमाल करें, विकल्प न होने पर ही विशेष एजेंसी को केस स्थानांतरित करें। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल खत्म, आज रोहतक की सुनारिया जेल में करेगा सरेंडर। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल अवधि हुई समाप्त, आज रोहतक की सुनारिया जेल में करेगा सरेंडर। 21 जनवरी को मिली थी 40 दिन की पैरोल। बागपत के बरनामा आश्रम में है गुरमीत राम रहीम। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस पर जताया विरोध। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, बड़ी संख्या में नेताओं के फोन पर पेगासस होता है। मेरे पास अपने फोन पर पेगासस था, मुझे खुफिया अधिकारियों द्वारा बुलाया गया है जो कि कहते हैं कि कृपया सावधान रहें कि आप फोन पर क्या बोलते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम लगातार दबाव महसूस करते हैं। विपक्ष के खिलाफ मामले दर्ज हैं, मेरे खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जो आपराधिक मामलों के तहत नहीं होने चाहिए। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए का नौकरशाह बेटा 40 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त अधिकारियों ने प्रशांत के पिता एम वीरूपक्षप्पा कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक और केएसडीएल के चेयरमैन हैं। प्रशांत के पास से कैश के 3 बैग बरामद किए गए। कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के अधिकारी प्रशांत को साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से घूस लेते हुए पकड़ा गया था। बताया जाता है कि कथित तौर पर उन्होंने 80 लाख रुपए की डिमांड की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया मास्टर प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे प्रवास। हारी हुई सीटों पर अमित शाह, नड्डा रहेंगे प्रवास पर। प्रवास के दौरान क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिक्षकों, महिलाओं, वकीलों के साथ करेंगे संवाद। नड्डा और शाह की सभा में बूथ अध्यक्षों को भी बुलाया जाएगा। लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसआईटी की कार्यवाही जारी। लोक सेवा आयोग पेपर लीक होने के बाद एसआईटी की कार्रवाई जारी। पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल पर जल्द होगी कुर्की की कार्रवाई। एसआईटी ने धारीवाल के घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी भी कराई। एसआईटी ने विभाग के अधिकारियों से की पूछताछ। अधिकारी के पास से 22 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की गई। मामले में आरोपी संजय चल रहा है फरार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। जदयू छोड़ नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को बड़ा झटका दिया है। 36 जेडीयू नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का दामन थाम लिया है। एक साथ 36 नेताओं के कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। खबर यह है कि उन्हें बुखार आने के बाद गुरुवार को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर लगातार जांच कर रहे हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की मीटिंग। क्वाड समूह 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है।
सभी चारों देश लोकतांत्रिक हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का समर्थन करते हैं। समूह ने शुक्रवार को एक मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति इस चतुष्पक्षीय संवाद समूह की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि क्वाड कानून के शासन, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कैलाशा पर साफ किया अपना रुख। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने गुरुवार को साफ कहा कि भारतीय भगोड़े नित्यानंद द्वारा स्थापित किए गए तथाकथित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के प्रतिनिधियों के पिछले हफ्ते जनेवा में उसकी सार्वजनिक बैठकों में की गई कोई भी प्रस्तुति फिजूल थी और अंतिम मसौदे में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। राज ठाकरे के करीबी संदीप देशपांडे पर जानलेवा हमला। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के करीबी संदीप देशपांडे पर मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ हमला। उन्हें गंभीर हालत में हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक चार नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला किया था। इस दौरान उनके पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं। मेघालय विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित। राज्य में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं। मेघालय विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित। किसी भी पार्टी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत। इसी बीच राज्य के तमाम हिस्सों में हुई हिंसक घटनाएं। मतगणना के बाद हुई हिंसा को देखते हुए पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने सहसनियांग गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिकी कंपनी एसेट मैनेजमेंट फर्म ZQZ पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में किया इन्वेस्ट। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने के बाद से अदानी समूह गंभीर वित्तीय संकट से घिर गया है। हालांकि अदानी समूह ने आरोपों का खंडन किया है, फिर भी उनके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब अमेरिकी कंपनी एसेट मैनेजमेंट फर्म ZQZ पार्टनर्स ने उसकी चार कंपनियों में $1.87 अरब का निवेश किया है। कोलंबिया 60 दरियाई घोड़ों को भेजेगा भारत। कोलंबिया कुख्यात मादक तस्कर पाल्वो एस्कोवार के पशु फार्म के पास रहने वाले कम से कम 70 दरियाई घोड़ों को भारत और मेक्सिको भेजने की योजना बना रहा है। गुजरात के जामनगर स्थित ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम में 60 दरियाई घोड़ों को भेजा जाएगा। बिन बुलाए विदेशी मेहमानों ने यह राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। बिमला राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की नेता बिमला राय पौड़ियाल ने इसी हफ्ते देश के विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद छोड़ने से पहले उन्होंने संसद में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। अपने बयान में आरोप लगाया कि बिन बुलाए विदेशी मेहमानों ने यहां आकर राजनीतिक अस्थिरता की जमीन तैयार की है। उनके इस बयान को लेकर देश के कूटनीतिक हलकों में अभी भी चर्चा जारी है। कनाडा में हिमस्खलन से 3 विदेशी नागरिकों की मौत। कनाडा में अल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया सीमा पर हुए हिमस्खलन में 3 विदेशी नागरिकों की हुई मौत। एक स्थानीय गाइड समेत कुल 10 लोग हिमस्खलन की चपेट में आए। गाइड को छोड़कर सभी विदेशी नागरिक थे। ये सभी पैनोरमा माउंटेन रिजॉर्ट के पास हेली स्कीइंग कर रहे थे। हिमस्खलन में फंसे इन लोगों को बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है। भारत में हर हाल में अमेरिका के राजदूत होना चाहिए मार्क वार्नर। डेमोक्रेटिक सांसद मार्क वार्नर ने भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति न हो पाने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारत में 2 साल से ज्यादा समय से अमेरिकी राजदूत न होना शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मौजूदा दावेदार एरिक ग्रासिटी अपनी नियुक्ति के लिए सीनेट की पुष्टि के वास्ते पर्याप्त वोट हासिल नहीं कर पाते तो उतने ही योग्य किसी अन्य उम्मीदवार के नाम पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।